बचपन में हम कितनी कहानियां सुना करते थे। इन कहानियों से हमें मिलती थी सीख, एक नया नजरिया। भले ही कहानी हो दुख बांटने की या किसी की ईमानदारी की, वफादारी की। कुछ कहानियां हुआ करती थी कद्र की, तो कुछ कहानियां हुआ करती थी खोज की, नई सोच की। कुछ कहानियां हुआ करती थी सेवा की, निष्ठा की, और कुछ कहानियां हुआ करती थी किसी की मिसाल की। I wanted to work, but work was like for my own dignity, that I wanted to prove once that as a female, especially to my father. And it was kind of zid actually, ki papa bolte the no, to main bolti thi yes. Wo वैसा था क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव थे। अपनी इस जिद को पूरी करने के लिए प्रीति जयपुर आ गई और उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। अपनी मेहनत और लगन से प्रीति सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि तभी उनके परिवार वालों ने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद आई हैड कम टू नो दैट ही वाज इन अ रिलेशनशिप एंड नॉट वर्किंग, ड्रिंक्स, ये वो, वेरी वायलेंट। मुझे बहुत शौक था तैयार होने का कि आफ्टर मैरिज कि आप ये मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ। मैं वैसे ही जाती थी ऑफिस। धीरे धीरे वो अंदर से बहुत अजीब होने लगा, तो मैं वो ऐसा लगता था एक फेक पर्सनालिटी है, दैट यू आर नॉट दिस एंड यू आर नॉट हैविंग दिस प्लीजिंग लाइफ। यू आर स्माइलिंग ऑल द टाइम, यू आर फेकिंग। एवरीबडी इज आस्किंग यू दैट हाउज योर हस्बैंड, वेयर इज योर हस्बैंड, एंड यू आर फेकिंग दैट। मुझे पता था घर पर बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि डिवोर्स तो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। अलग रहना, अकेले रहना तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो आई कॉल्ड अप माई ब्रदर इन लॉ हु वॉज स्टेइंग हियर इन जयपुर। ऐसे मुझे रहने के लिए सिर्फ घर चाहिए, सो प्लीज़ अलाउ मी एंड आई विल पे रेंट एंड एवरीथिंग टू यू। सो दे वर नाइस, दे सेड ओके। जॉब छोड़ के आई केम, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब। इसीलिए मेरा प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहा है, कभी छोड़ा कभी किया, क्योंकि पर्सनल लाइफ से हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहा वो। मैं जहाँ भी इंटरव्यूज देने जाती थी वहाँ पे लोग बड़े स्टुपिड क्वेश्चंस पूछते थे मदरहुड को लेके, हाउ यू विल मैनेज। कई जगह मैं फ्रस्ट्रेट होके बोल देती थी दैट आई एम सिंगल मदर। आई सेड आई कैन नॉट ट्रैवल एंड आई एम मदर एंड आई एम अ डॉटर, ऐसे ऐसे करके। फिर बाद में पता चला उन्होंने कहा नीड बेस्ड ट्रैवल रहेगा, स्केड्यूल ट्रैवल रहेगा। आई सेड ओके, सो दैट्स हाउ आई जॉइन जनलक्ष्मी। यहाँ आने के बाद काम बहुत किया, पर काम के साथ साथ आई गॉट लॉट ऑफ रिकग्निशन पैरेलल। Good, amazing support from my team and boss, especially Ranvijay sir. I'm into collections, but whenever I meet any crack or my meetings leti hu ya jab bhi main un logo se baat karti hu, I always tell them that you are not in collections, you are into relationship building. Kyunki aap hi decide karte ho ki next level ka customer kaun hoga hamara. Any guy in her team, if he's observing her, is working with her, so definitely he owns that dedication. There was this customer jiske ghar gaye the, to wahan pe kisi aur ka loan already collection ho ke chuka tha, they were like kuch acha group baitha hua tha 20-25 auraton ka, to unhone aise card laga hua dekha Janlakshmi ka, to ek bahut 50-55 age ki lady ho gayi, she was sitting and jaise hi suna unhone apna chappal utha ke aise mara and I was like this, wo aise gira. And there I realized कि ये बहुत ही difficult है। तो we had a choice, या तो आप back out हो जाओ क्योंकि वो सब एक साथ चिल्लाने लगे थे, या आप enter करो। तो ऐसे वो लड़कों ने बोला मैम हम यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, यही तमाशा होता है, ये लोग अभी कुछ मारपीट शुरू कर देंगे, let's go back। ऐसे अगर हम आज चले गए तो इस पूरे एरिया में से पैसा नहीं आएगा, तो यहाँ तो रुकना तो पड़ेगा। We need to talk to them at least, not पैसा चाहिए नहीं चाहिए वो दूसरी बात है, पर इनके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ऐसे फीमेल वो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती, इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी जो फीमेल्स की क्वालिटी होती है ना, इमोशंस, एक लविंग, केयरिंग, वो सब क्वालिटीज के साथ में इतना स्ट्रांग होना, तो बहुत ही कम फीमेल्स में क्वालिटी मिलती। जब फील्ड में जाना स्टार्ट किया अजमेर में, तब समझ आया कि यहाँ पे पैसा तो आएगा लेकिन इमेज इतनी खराब हो गई कि जनलक्ष्मी के नाम से लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो आई सेड कि लेट्स प्लान समथिंग, चिल्ड्रंस डे वॉज कमिंग, तो मुझे लगा कि अगर हम कुछ इनके बच्चों के लिए करते हैं तो दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं थी, कुछ लोग गलत थे और लोग कहीं भी गलत हो सकते हैं। तो हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया, कुछ आए उनमें से एंड वहाँ पे फिर हम लोगों ने हाइजीन वर्कशॉप करी, ड्राइंग कंपटीशन रखा, सैनिटेशन एंड हाइजीन पे वर्कशॉप, देन चाइल्ड अब्यूज़ पे वर्कशॉप, दैट बहुत अच्छी ड्राइंग्स भी बनाई बच्चों ने।
one female was crying literally, and she said, "Nobody has done, no one has ever done this to our kids. कि कोई आके हमसे बात करे या इनको ये बताए कि ऐसा रहना चाहिए, ये आपके लाइफ का स्टैंडर्ड होना चाहिए. So जैसे कि हम सबको बोलेंगे कि आपका पैसा दें, and जनलक्ष्मी जो हमने सुना है वैसा नहीं है. So we said thank you. So that was one strategy we adopted, and it worked out. Problem. चिल्लाने से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर हर. कहती है प्रॉब्लम के अंदर जाओ, व्हाट इज द इशू, और स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, तो वो उस पे ध्यान देती है. वो टीम को सपोर्ट करती है, जब जरूरत पड़ती है तो उनके लिए लड़ती है. और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मेरे को तो इतना चाहिए तो चाहिए, वो आपको रास्ता भी बताती है. नाउ आई एम नॉट प्रीति जो मैं थी एक डेढ़ साल पहले तक. आई लाइक द कनेक्शन यहाँ पे, जो मैं फील कर पाती हूँ, जो वाइब्स हैं, एक बहुत डिफरेंट वाइब्स हैं. 12 साल काम करने के बाद मुझे वो यहाँ आके फील हो रहा है. मैं बहुत स्टेबलाइज्ड फील करती हूँ. मुझे लगता है मेरी हर एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है. मैं विमेन इश्यूज़ पे काम करना चाहती थी, सो आई एम वर्किंग समहाउ. बच्चों के लिए मेरा बहुत मन था, तो जिस औरत से आप बात करोगे फील्ड में जाके, वो सब ये बोलेगी बच्चे के लिए कर रही हूँ. तो मैं वो कनेक्शन फील कर पाती हूँ वहाँ पे. युवाक्षी को बहुत बेटर लाइफ देना, बहुत ही बेटर, और एक कॉन्फिडेंट फीमेल बनाना बेसिकली, वेयर शी कैन, शी इज़ फ्री टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट. एजुकेशन में डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी देना चाहती हूँ, सो दैट इसको ऐसा नहीं हो. बिकॉज मैं MBA करना चाहती थी और नहीं कर पाई या नहीं करने दिया, वॉट एवर, तो वो मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरफ से इसको एजुकेशन बेटर दूँ. एवरी डे व्हेन आई वेक अप तो मुझे लगता है दैट आई हैव टू बी मदर एंड फादर बोथ. एंड उसके लिए एक वो अपने आप आ जाती है एनर्जी. आई डोंट नो कैसे आती है, पर वो अपने आप आ जाती है. என்னென்ன இருந்தது? அரிசி இருந்துச்சு, பயிறு, எண்ணெய், இது இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க, அந்த 2 மாசம் லோன் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு நல்லபடியாக வீட்டு மேம்பாடு லோனை கொடுத்துட்டு நம்மளே ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வீடு மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே. நவம்பர் 2015 में சென்னை में 100 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और पूरा शहर पानी में डूब गया. इस बाढ़ में 18 लाख से ज्यादा लोगों के घर ढह गए और 500 से ज्यादा लोग मारे गए. Problem when the lake has been opened, this lake shore who are the living, they must have affected very badly. So I know what all the, which are, those are the customers there. I used to go for a personal visit, make sure everyone is there. இது வரைக்கும் ஸ்கூல்ல போயிருந்தோம். எந்த ஸ்கூல்ல போயிருந்தீங்க? கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல்ல இருந்தோம் சார். கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல்ல போயிருந்தீங்க. அவங்க இருக்க இருக்க அப்படியே வீடு தெரியல. தண்ணி வீடு ஃபுல்லா, வீடு ஃபுல்லா போயிச்சு. ஃபுல்லா போய் எல்லாம் சாமானும் அடிச்சினு போய் ரொம்ப சேதம் ஆயிடுச்சு. This time it was totally entire, you know, city was like an island. Every area, you know, surrounded by 9 feet, 10 feet. You need to come in a swimming or in a boat. தண்ணி நிறைய அங்கெல்லாம் சுவர் வர, மண்ணு சுவர், அது எல்லாமே கரைஞ்சி போயிடுச்சு. சாமான் எல்லாமே போச்சு, நிறைய போச்சு, கொஞ்சம் தான் எடுத்துன்னு. டோட்டல் ஏரியா வாஸ் அண்டர் தி வாட்டர். ஐ சீ ஒன்லி த வாட்டர் வாஸ் ஃப்ளோட்டிங் லைக் எனி திங். ஐ நெவர் சீன் சச் அ வாட்டர் இன் மை லைஃப். இஸ் கடின சமய மே ஹமாரே ஜனநாயகோ நே கஸ்டமர்ஸ் கா சாத் நஹீ சோடா ஔர் வோ உன்கி மதத் கர்னே கே லியே ஃபீல்ட் மே உதர் கயே. கை கஸ்டமர்ஸ் கோ ஆஃபீஸ் மே பனஹா தி கயி, கையோ கோ கானே கா சாமான் தியா கயா, और जो हो सकी वो मदद की. Wherever we went, whatever we could do little bit, we just went on doing it. There was no motive, it's only in humanitarian, but that was the motive. So it didn't happen that we were in all the places, but wherever we went, we didn't distinguish between our customer or non-customer or anybody who came. We gave it to them because they were kids, they were small kids who didn't have water, they had lot of small children who didn't had food for more than a day. So for us, we could not have distinguished that way, and
it would not have created a good taste either. So whoever, wherever we went, we just went and did whatever we had and just came back. சார் எல்லாம் கூட போயிச்சு சார் எல்லாம் எல்லாமே காலி எல்லாம் தர இன்னும் ஒண்ணு ரெண்டு பொருளுங்க இருக்கும் இதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படியே விழுந்து அப்படியே ஓலை கொம்பு எல்லாம் சந்துக்கு அந்த சந்துக்கு ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா அப்படியே போய்கினே இருந்துச்சு எல்லாம் தண்ணி நிறைய யாராலையும் எதுவும் எடுக்க முடியல அந்த ஒரு சில பொருளுங்க வந்து இங்க இருந்ததுனால மண்ணு கீழே அதை நான் எடுத்தேன் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் சைன் இஸ் ஐ டோல் தெம் டு டோன்ட் ஆஸ்க் தி பேமெண்ட் டோன்ட் கோ ஃபார் தி பேமெண்ட் ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கஸ்டமர் இஸ் சேஃப் payment is something different we can able to collect next month or maybe in the this month scenarios may be change so make sure each and every customer is safe first sign is that this job is about making people happy so if you don't have a flair to help people to help society to get into then you might not like this job see life is about you know helping each other we had huge ATMs you know there was no money Huge ATMs were there, so many ATMs, but none of the ATMs helped in the right time. We had car, bike, but road doesn't support to, you know, travel. Meanwhile, we need to help each other. My name is Sachin Balapur. Chanda Mehta, my name is my town. He comes to district in Madhya Pradesh. Father, इच्छा थी कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में उसके लिए उन्होंने फ़ोटोग्राफी सीखी टीवी रिपेयरिंग का काम किया और वो सब होने के बाद हमारी स्कूल की फ़ीस भरी ट्यूशन फीस सचिन के पिताजी के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बहुत था लेकिन वो बोझ उनकी आकांक्षाओं की उड़ान को नहीं रोक सका उन्होंने ठान लिया जो बाधाएं उनके जीवन में आई थी वो उनके बच्चों के सपनों को नहीं रोक सकेंगी एक बार मास्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ सकते तो मैं उससे बोला मैं क्यों नहीं पढ़ सकते भाई मैं वीक हैं बहुत नहीं पढ़ सकते हैं आप हिंदी स्कूल में डालो ठीक है नहीं भाई मैं ट्यूशन लगाया बच्चों को फिर मेरा ये था कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे बच्चे ना करें मुझसे अच्छे बने इसलिए मैंने सब कुछ किया इंस्पिरेशन है मेरे पापा मेरे लिए सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक वर्कशॉप में काम करते थे उसके बाद घर में लोगों की टीवी सुधारते थे रात को 2-2, 3-3 बजे तक टीवी सुधारते थे तो उनका जो कमिटमेंट दिखता था मैं काम के प्रति तो वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस करता था कि नेवर गिव अप मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता था तो उसमें मुझे मौका मिला स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके बाद डिविजनल लेवल और एक बार मैं स्टेट लेवल स्कूल में मेरा नाम अभी भी लिखा हुआ है मैं स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया है अपना स्कूल का नाम रोशन किया है पापा का भी रिटायरमेंट का समय पास में आ रहा था धीरे धीरे तो जिम्मेदारियाँ बढ़ रही थी तो इसलिए मैंने वापस आया पुणे से और एक साल मैंने नागपुर में काफ़ी जगह जॉब सर्च किया था लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा था फिर मुझे एक कंसल्टेंसी के थ्रू पता लगा कि जनलक्ष्मी में वैकेंसीज है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी बिलीव इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल्स हु वांट्स टू लर्न एंड ग्रो लुकिंग एट हिज जर्नी From a crest to a Jana Center head in 5 years, he has performed and learned the skill sets to deliver any role. As he transitioned to a branch manager, the skills required are different from defending a customer. And with his keenness to learn, I am confident he will learn and deliver over there also. मैंने एक चीज ध्यान में रखी थी कि अभी sourcing से जब हम customer को pamphlet देते हैं, तो वो तो हर कोई करता है। अगर हम बाकी MFI को देखते हैं, तो वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो कस्टमर को जो हमको संबंध स्थापित करना है तो हमको उनको सुनना पड़ता है कि क्या वो चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है बच्ची तो बोलती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ इस सोच के सोची कि उसका अगर इतना बड़ी सोच है तो हम क्यों पीछे हटे इसलिए हम सोच रहे कि कुछ पैसे की अगर मदद मिल गए कहीं अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो मैं एक फैमिली को लोन दे रहा हूँ तो मेरी वजह से जनलक्ष्मी की वजह से उन 4 लोगों को उनकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली भी आगे बढ़ेंगी मैं भी आगे बढ़ूंगा मेरे कस्टमर जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ वो भी आगे बढ़ेंगे मेरे आशय तो बहुत थी सर लेकिन फैमिली की वजह से मैं नहीं कर पाया क्योंकि पिताजी मत तो हैसियत थी नहीं कर पाया मैं पायलट बनना चाह रहा था नहीं बन पाया
सपने सच होते हैं ये मेरा मानना है, क्योंकि उसके पीछे जो हिम्मत है और हौसला है वो अगर हमेशा अगर रहेगा तो वो सपने कुछ भी मायने नहीं रखते, सपनों से ज़्यादा हम लोग जा सकते हैं। तो हमारे पास एक नया सर्कुलर आया था कि कस्टमर का वोटर आईडी मैंडेटरी रहेगा और आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा, उसके अलावा हम लोग कस्टमर को लोन नहीं दे पाएंगे। सभी जगहों से बिजनेस स्लो हो गया। तो देन आई जस्ट चेक द इलेक्शन कमीशन साइट, और उसमें जब मैं देखता हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट में 67% या 65% लोगों के पास ही इलेक्शन कार्ड है, बाकी लोगों के पास इलेक्शन कार्ड ही नहीं है। सो अगर 65% के पास इलेक्शन कार्ड है और आउट ऑफ 100, तो मेरा बिजनेस तो कम होगा। देन आई रोट अ वन मेल टू द मैनेजमेंट, के बाद में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ। एक महीने के बाद हमको सेकंड ऑप्शन भी मिला कि हम लोग राशन कार्ड भी ले सकते हैं और कोई अदर ऑप्शंस भी ले सकते हैं। इस तरह हर बार अपने काम से एक कदम आगे बढ़ने का ये जज्बा फिरोज को एक प्रोफेशनल बनाता है। लातूर के पास एक गांव में पैदा हुए फिरोज ने छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ऑफिस और घर का लीडर बनने की ठानी। फिरोज ग्रोन फ्रॉम द लेवल ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम क्रेस टू टुडे ही हैज बिकम क्लस्टर हेड। ही हैज ग्रोन इन द रैंक्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म। मैं लातूर में आया तो यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, मैं डाक KYC मैनिपुलेशंस, KYC फैब्रिकेशंस और फ्रॉड्स जो भी थे, जब काम किया तो ध्यान में आया कि ये सारी प्रोसेस लैप्सेस के कारण हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें नहीं होगी, और हमने प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट किया, और प्रोसेस फॉलो करने के बाद में ऑटोमेटिकली सारे चीज़ें रिजॉल्व हो गई। ही आइडेंटिफाइड द पेन पॉइंट्स एंड द पीपल हु वर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ जनलक्ष्मी। Today, that JC boasts of 99%, over 99% of on-date and on-time collection, and with a good biometric. People's is most important, whether they are customer or team members. Team agar motivate hai, toh numbers or business or audits or quality aa hi jata hai. People who worked under him today, they have grown to the level of from crest to area heads, JC heads like that. It shows that alone he is not growing and he is ensuring that his fellow colleagues are also growing in the system. और अच्छे लोग नहीं होते, उनको हम उनको अच्छा बनाते हैं। मतलब मेरा डिपेंड करता है कि हाउ आई ट्रीट देम। इन आवर काइंड ऑफ बिजनेस टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज मीटिंग द कस्टमर, बिकॉज फॉर आवर कस्टमर दे कांट अफोर्ड टू लूज देयर अर्निंग फॉर दैट डे बिकॉज ऑफ सम जनलक्ष्मीज वर्क। So if collection executive has to reach the collection center at 7:30 in the morning, he has to be there for 10 minutes early so that he finishes his job, so that our customers are not affected by that time. जो भी प्रोसेस डिज़ाइन किया जाता है वो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया जाता है, पायलट पे कहीं लॉन्च किया जाता है, किसी ब्रांच को पायलट में डालकर वहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है और फिर ही वो सब जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्रोसेस हमेशा ठीक ही होता है। उसमें कुछ थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो हम लोग सजेशन देते हैं कि सर हाँ इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो मैनेजमेंट उसको भी चेंज करता है। जनलक्ष्मी एज यू अवेयर इज अ सिस्टम ड्रिवन, डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही लर्नड दो सिस्टम्स एंड ही एंश्योर्ड दैट हिज लर्निंग्स आर पुट इन टू गुड वर्क सो दैट द अदर जना नायक्स एज वेल एज द जना सेंटर प्रोग्रेस वेल। मेरा ड्रीम था कि मुझे आगे जाना है, मुझे लीडर की तरह काम करना है। तो जब मैंने क्रेज ज्वाइन किया तो मैंने ठाना हुआ था कि यार नहीं, मुझे एरिया हेड बनना है, क्योंकि मेरा वो पहला स्टेप था। सो मैं एरिया हेड बन गया। नेक्स्ट मेरा स्टेप था कि मुझे JCH बनना है, तो मैं JCH बन गया। अभी मेरा ये स्टेप है कि क्लस्टर हेड बनना था, तो आई बिकम अ क्लस्टर हेड। और स्टिल आई एम, मैं रुका नहीं हूँ, ड्रीम्स इज गोइंग ऑन, मतलब मुझे आगे जाना ही है। और ऐसी कहानियां सुन के ही तो हम बड़े हुए हैं। आज हम जो हैं कुछ हद तक इन कहानियों की बदौलत हैं, क्योंकि पढ़ते बढ़ते, सीखते सुनते, देखते करते, हम सब ने भी लिखी है अपनी कहानी, एक अनोखी कहानी। तो इनमें से कौन सी है आपकी कहानी?